हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटर नॉनवेज किचन। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज लेकर आई हूँ आपके लिए ये डिलिशियस क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाने की रेसिपी, जो सबका फेवरेट होता है। बट यूजुअली हम इसको बाहर जाकर खाना या बाहर से ऑर्डर करना पसंद करते हैं। लेकिन आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ये डिलिशियस रेसिपी आपके साथ, जिसमें शेयर करूँगी सारे सीक्रेट्स, किस तरीके से ये फ्लेकी क्रिस्पी कोटिंग आती है चिकन के ऊपर, जबकि अंदर चिकन रहता है एकदम टेंडर और जूसी। अगर पसंद आया आपको ये वीडियो देखने के बाद, तो इसे दीजिएगा अपने ढेर सारे लाइक्स और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको बनाने की। सबसे पहले इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के विद स्किन चिकन पीसेस लिए हैं। 1 किलो इन टोटल चिकन है ये, जिसको मैरिनेट करेंगे। पहले हम डालेंगे इसमें अच्छे तरीके से सॉल्ट, और 1 चम्मच गया है इसमें ब्लैक पेपर, और ये बेसिक सी एक सीजनिंग के साथ इसको कोट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर विद स्किन वाले चिकन को इस्तेमाल करना प्रेफर करा है। आप विदाउट स्किन भी इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन पीसेस। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 कप दही। तो ये 1 कप जो हमने योगर्ट लिया है, इसमें हम डालेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कप पानी इन टोटल, और इसको इस तरीके से बिल्कुल स्मूदन कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक भी नहीं रहनी चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होनी चाहिए, ये जो हमने योगर्ट से बटर मिल्क प्रिपेयर करा है। तो यह बिल्कुल रेडी है, इसको हम एज इट इज पोर कर देंगे, जो चिकन हमने सीजन करके रखा है। और अब इसको कर देंगे हम अच्छे से इस तरीके से एक बार मिक्स। तो यह आप देख सकते हैं कि किस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है। जैसे मैं मिक्स कर रही हूं, आपको देखकर पता चल रहा होगा। बस अब इसको ढक्कन ढक के अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मिनट्स तक के लिए हम रख देंगे। आप चाहे तो इसको ज़्यादा देर के लिए भी रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, 1 से 2 घंटे के लिए भी। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स इसको रख दिया था, और अब इसको निकाल लिया मैंने फ्रिज से। अब इसके अंदर डालूंगी मैं ये 2 अंडे फेंट कर, और साथ में चिली सॉस का इस्तेमाल करूंगी मैं अप्रॉक्सीमेटली 3-4 टेबल स्पून। तो मिक्स ऑफ चिली सॉसेज इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद है। 3 से 4 टेबलस्पून डालें और इसको मिक्स कर दें इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं, मिक्स करने के बाद ये जो मैरिनेट हमने तैयार करा है, ये थोड़ा स्पाइसी भी हो जाएगा। 10-15 मिनट के लिए अब इसको रखेंगे साइड पे। तब तक ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। 2 कप लिया है मैदा, 1/4 कप जिसमें डाला है राइस फ्लार, और 1/4 कप डाला है कॉर्न फ्लार। तो राइस फ्लार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो कोटिंग फ्लेकी आती है वो कॉर्नफ्लावर से भी आ सकती है, लेकिन राइस फ्लावर से थोड़ा सा कड़क जो रहती है, कोटिंग क्रिस्पी रहती है, वो राइस फ्लावर से रहती है। अच्छी तरह इसमें डाल दें आप नमक, और उसके बाद 1 चम्मच डाल दिया है ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में 2 चम्मच जा रहा है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डाल रही है इसमें अनियन पाउडर, 2 टीस्पून जा रहा है गार्लिक पाउडर, और इसको मिक्स कर देंगे। आप अलग अलग तरीके की सीजनिंग्स और स्पाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हो गए हैं, एक बेसिक सा सैलड प्रिपेयर कर लेते हैं, बिकॉज आई फील सैलड बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है स्पेशली इस रेसिपी को। क्रिस्पी फ्राइड चिकन विद क्रंची लेटस बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है लेटस लीव्स, फ्रेश लेटस लीव्स। इसको अच्छे से वॉश कर लें, और उसके बाद रफली इसको चॉप करके हमने तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कोई सीजर सैलड प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, बस एक बेसिक सा सैलड टू गो विद द क्रिस्पी चिकन। उसके साथ आप कोई भी पसंद के अपने स्नैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिकल्ड स्नैक्स, जैसे कि यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिकल्ड कॉर्निशॉन्स, लेकिन आप क्यूक्यूम्बर, कैरेट, पिकल्ड कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पिकल्ड स्नैक्स हम डालते हैं, ये बहुत ही फ्लेवर ऐड करते हैं सैलड में। साथ में जाएंगे कुछ ऑलिव्स, आप ब्लैक और ग्रीन कोई भी ऑलिव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ साल्सा डिप, जिसमें थोड़े से क्रंची साल्सा डिप है, तो बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करती है वो, थोड़ा स्पाइसी टच ऐड करती है। और साथ में जा रहा है ये मेयो। यू कैन जस्ट टॉस इट और मिक्स इट, एंड दिस इज रेडी टू गो विद द क्रिस्पी चिकन दैट वील बी मेकिंग। वैसे तो आप इसमें कोई भी अपनी पसंद की और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, स्पेशली ब्रेड भी टोस्ट करके ऐड की जाती है, लेकिन हम क्रिस्पी चिकन के साथ इसको खाने वाले हैं, इसलिए इसको एज इट इज़ हम रखेंगे फ्रिज में, जब इस्तेमाल करेंगे, जब सर्व करेंगे क्रिस्पी चिकन। अब देखिए, यहाँ पर हमने चिली सॉस अच्छे से मिक्स कर दी थी अपने मैरिनेट में, उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जो हमने ड्राई फ्लावर बनाकर रखा था वो। इसको डालकर जब आप मिक्स करेंगे तो एक थिकनेस महसूस करेंगे मैरिनेट में, जो बहुत ज़रूरी है।
ये जो थिक एकदम फ्लावर के साथ मिक्स किया हुआ मैरिनेट की कोटिंग आ जाती है, ये भी चिकन को क्रिस्प बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि ये कोटिंग देखिए इस पर थोड़ी सी स्टिक हो जाती है थिक होने के कारण। और फिर हम इसको कोट करेंगे अब ड्राई फ्लावर में। तो एक दो पीसेस हम ड्राई फ्लावर में कोट कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, हमारा मकसद ये है कि जो फ्लावर हमने ड्राई करा है उसको थोड़ा क्रम्बली कर दें, मतलब अगर उसके अंदर थोड़े थोड़े मोटे मोटे चंक्स होंगे तो वो ज़्यादा अच्छी जो है हमारे फ्लेक्स क्रिएट करेगा क्रिस्पी चिकन पर। जिसके लिए आप चाहें तो डायरेक्टली मैरिनेट को एक दो चम्मच पोर करके और मिक्सचर को हाथों से क्रम्बल भी कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये दो तीन पीसेस मैंने बेसिक सिर्फ ड्राई फ्लावर में इस तरीके से कोट कर लिए, जिससे कि डिफरेंस समझ में आए दोनों की फ्लेकीनेस में। ये जो बाकी का बचा हुआ फ्लावर मिक्स था उसमें मैंने थोड़ा सा मैरिनेट मिक्स कर दिया है, और इसको हाथों से इस तरीके से क्रम्बल कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं एकदम क्रम्बली सा ये मिक्सचर हो गया है। और आप सोच सकते हैं जब ये चिकन पे हम कोट करेंगे तो कितना ज़्यादा फ्लेकी, कितना क्रिस्पी हमारा जो चिकन है वो बनकर आएगा, क्योंकि ये जो क्रम्बली सा मिक्स है ये उसके ऊपर चिपक जाएगा। इसको जब फ्राई करेंगे तो ये फ्लेक्स की तरह दिखता है, जो असली जान होती है, स्पेशली जब आप KFC खाते होंगे बाहर तो आपने देखा होगा। अब इसमें डालते हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है बेकिंग पाउडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये। 1 टीस्पून मैंने इस्तेमाल करा है ये बेकिंग पाउडर, जो कि चिकन को बहुत क्रिस्पी तो बनाता ही है, साथ साथ देर तक जो आपका चिकन क्रिस्पी रहे वो मदद करता है बेकिंग पाउडर। इसको बनाकर आप 1-1.5 घंटे रख भी देंगे तो भी आपका चिकन सॉगी नहीं होगा। बस अब इस क्रम्बली मिक्स में मैंने सारे चिकन पीसेस को मैरिनेट से निकाल कर कर दिया है कोट। और ख़ास बात इस रेसिपी की यह है कि इसमें कोई सेकेंड कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई सेकेंड फ्राइंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कोटिंग और एक फ्राइंग में बनाएंगे डिलिशियस क्रिस्पी फ्राइड चिकन। तो ये सारे पीसेस जो है हमने एक बार कोट कर लिए हैं क्रम्बली वाला जो हमारा मिक्स था उसके अंदर, और तेल को अच्छा तेज़ कर लिया है गरम, और उसके बाद लो मीडियम फ्लेम करके सारे जो चिकन के पीसेस हैं इसमें डालेंगे, पर बैचेस में, एक साथ नहीं डालेंगे, 4-4, 5-5 करके हम पीसेस को फ्राई करेंगे, जिससे कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो कम ना हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर ऑयल का टेम्परेचर ज़रा भी कम होगा तो ये जो आपने कोटिंग क्रिएट करी है निकल कर ऑयल में टूटने लगेगी, और अगर ऑयल का टेम्परेचर होगा ज़्यादा तो इतनी जल्दी आपका चिकन ब्राउन हो जाएगा, बाहर से क्रिस्पी कोटिंग एकदम ब्राउन हो जाएगी और अंदर से चिकन रह जाएगा कच्चा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप 4-4, 5-5 पीस को इस तरीके से फ्राई करें, पहले लो मीडियम फ्लेम पर रखें और धीमी आंच पे ही करीब करीब इसको 7-8 मिनट के लिए पकने दें, और उसके बाद लास्ट के जो 1-2 मिनट है उसमें फ्लेम को तेज़ कर दें, और जब तक इस तरीके से सुनहरी कोटिंग ना आ जाए तब तक इसको फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो हमने सबसे पहले कोट करा था ड्राई फ्लावर में बिना मिक्सचर को क्रम्बली करे हुए, उसकी कोटिंग किस तरीके की आती है। इसमें कोई भी ज़्यादा आपको फ्लेक्स नज़र नहीं आ रहे, सिंपल सी एक पतली सी लेयर नज़र आ रही है, और ये चिकन बिल्कुल कहीं से भी KFC स्टाइल नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्लेक्स नहीं है, और क्रिस्पी तो ये रहता है लेकिन मज़ा जो चिकन का आता है वो आता है जब उसके अंदर फ्लेकीनेस हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो चिकन हमने मैरिनेट थोड़ा सा मिक्स करके ड्राई फ्लावर में क्रम्बल करके उसको कोट करा था उसके अंदर कितने फ्लेक्स आते हैं, कितना फ्लेकी रहती है उसका, और उसका टेक्स्चर भी किस तरीके का रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड बैच को फ्राई करते हैं जो हमने क्रम्बली वाले मिक्स में कोट करा था। सेम तरीके से फ्राई कर लें इसको भी, और ये देखिए मैजिक। तो आप देखिए, क्लोजअप करके दिखा रही हूं आपको कि इस चिकन में और उस चिकन में कितना फर्क है। तो ये देखिए, एक कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों का एकदम क्लोजअप शॉट में कि किस तरीके का डिफरेंस आता है सिर्फ ड्राई फ्लावर अगर कोट करेंगे और एक उसमें मैरिनेट मिक्स करके उसको कोट करेंगे तो। तो है ना कितना डिफरेंस, और है ना ये एक अमेजिंग सीक्रेट इस रेसिपी को बताने का जो शायद आपको पहले किसी ने ना बताई हो। अगर आपको पसंद आई है ये सीक्रेट तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर से बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो सारा चिकन इसी तरीके से हमने कर लिया है फ्राई, तो बात हो गई फ्लेकी किस तरीके से बनाना है इस चिकन का जो ऊपर कोटिंग आती है उसको। लेकिन क्रिस्पी है या नहीं ये चिकन, या ज़्यादा देर तक रहेगा या नहीं, ये चेक करते हैं। तो अब करते हैं हम चिकन की कोटिंग को टेस्ट, इसको उलट पलट ऊपर नीचे करके कि ये ब्रेक होती है या नहीं। तो आप इसको कितना भी इस तरीके से उलट पलट कर लें, चिकन की कोटिंग टस से मस भी नहीं होगी। कुछ इस तरीके के फंडे इस्तेमाल किए गए हैं इस रेसिपी को बनाने में। गर्मा गर्म
क्रिस्पी फ्राइड केएफसी स्टाइल, क्या बोलेंगे आप इसे, जब केएफसी से भी बहुत बेटर बनता है ये घर पर। ऐसे सीक्रेट्स शेयर करे हैं मैंने इसमें जो शायद आपको पहले ना पता हो, तो बस देर मत लगाइए, ट्राई कीजिए सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके बनाएं घर पे ये चिकन, और घर पे बैठकर एकदम हाइजीनिक तरीके से बना हुआ, जो घर के चीज़ों को इस्तेमाल करके बना हुआ चिकन होता है, वो फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और है। और ट्रस्ट मी, जब आप एक बार इस रेसिपी को फॉलो कर लेंगे तो आप इसी तरीके से फ्राइड चिकन खाना पसंद करेंगे, और आप बाहर जाके एक बार इसके बाद KFC ट्राई कर सकते हैं, आपको फीका लगेगा KFC, ये मेरा दावा है। तो बस इसको बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें घर में बना हुआ हाइजीनिक वे से एकदम डिलिशियस क्रिस्पी फ्राइड चिकन, जिसे अपनी फेवरेट डिप के साथ इन्जॉय कर सकते हैं आप। ये डिप प्रिपेयर करी गई है मेयोनेज और चिली सॉस को मिक्स करके, वैसे तो आप अपनी कोई भी डिप का इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें ये डिलिशियस चिकन। पसंद आई ये रेसिपी तो इसे दीजिए अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।